दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले आप लोग कैसे बैंक ऑफ इंडिया का जो आईएफएससी कोड पता कर सकते हैं। इसके लिए हमको सिंपली करना है क्या, आपको यहाँ पे अपना क्रोम जो है ओपन कर लेना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको वो सर्च करना है जो कि मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करने वाला। आपको यहाँ पे सिंपली आईएफएससी कोड आपको ये सिंपली सर्च कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने जिस तरीके से सर्च किया वैसे ही आपको भी सर्च कर लेना है। जिससे आप लोग यहाँ पे इसे सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको लिखा होगा आईएफएससी कोड इज अलॉटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI टू ऑल ब्रांच एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि जितने भी बैंक है और जितने भी ब्रांचेस है उसका जो है अलॉट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड की RBI। आपको यहाँ पे सिंपली नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही नीचे की तरफ आ जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली लिखा आ जाएगा bankifccode.com। आपको यहाँ पे सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च फ्रॉम ब्रांच लिखा होगा, सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना जो जिसका भी आप यहाँ पे अपना जो आईएफएससी कोड पता करना चाहते हैं उस ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना है। आपके जैसे कि हम इसे सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली जो अपना है बैंक ऑफ इंडिया का जो है अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिंपली अपना बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम अपना सिंपली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे अपना ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। हमें यहाँ पे अपना ब्रांच जो है वो यहाँ पे देखने को मिल गया, हम यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर आपका ब्रांच भी नहीं पता होगा तो आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देना, आपका जितना भी नियर बाई ब्रांचेज होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पे बैंक नेम और साथ साथ स्टेट डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे में आपको ब्रांच दिख जाएगा, उसके नीचे में आपका यहाँ पे आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।